एक सक्सेसफुल बॉक्सर जिसकी फैमिली बिगड़ा थी, वो किसी और बॉक्सर लड़की से मिलता है। प्रॉब्लम तब आई जब ये दोनों एक दूसरे से अपसेस्ड हो गए थे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको टाइगर ब्लड इन द माउथ, ये 2016 की एक फ्रेंच मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होने पर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है रमोन, एक बॉक्सिंग का बड़ा चैंपियन है। इसी की अब मैच चल रही थी। रमोन की एज अब बढ़ने लग गई थी और ये मैच एक यंग अपोनेंट के साथ थी, तो उसे इसमें बहुत ही ट्रबल उठाना पड़ता है। वो बहुत सारे पंच रिसीव कर रहा था, पर फाइनली मौके का फायदा उठाकर वो भी एक बड़ा सा पंच मार ही देता है। उसने उसे हरा दिया। ये उसकी करियर की बहुत बड़ी मैच थी। उसकी वाइफ, उसके बेटे सारे उसके लिए बहुत ही खुश थे। रात में सारे मिलकर सेलिब्रेशन करते हैं। आज रात रमोन बहुत ज्यादा ड्रंक हो गया था। उसके पास उसकी वाइफ आई और वो कहती कि आज ज्यादा पियो मत, हम एंजॉय करते हैं। उसके साथ डांस करना चाहती थी। वाइफ का नाम है करीना। हस्बैंड इतना बड़ा चैंपियन है तो करीना बहुत ही प्राउड थी, पर जनरली उसका फाइट करने उसे अच्छा नहीं लगता था। इन दोनों ने मिलकर अब डिसाइड किया है कि रमोन अब फाइटिंग छोड़ देगा। अगली मॉर्निंग रमोन ने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। अपने बेटे को स्कूल में वो छोड़ कर आया। इसके बाद एक बैंक के आदमी के साथ इनकी मीटिंग थी। करीना चाहती थी कि वो और रमोन मिलकर एक शॉप चलाए, और इसी शॉप के लिए लोन के लिए वो आदमी आया हुआ था। रमोन इस मीटिंग में जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। मीटिंग के बाद वो डायरेक्टली जिम में आ गया। जिम में ट्रेन करते करते उसने बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की को देखा। ये लड़की हमारी और एक मेन कैरेक्टर है, इसका नाम है डेबरा। अपने ट्रेनर से वो पूछता है कि वो लड़की कौन है। ट्रेनर को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। रमोन कहता है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ट्रेनर को ये बात करना सही नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है कि रमोन की ऑलरेडी शादी हो चुकी है। जो फाइट रमोन ने अभी अभी की थी उसके बारे में न्यूज में आया हुआ है। इसमें लिखा है कि रमोन का अपोनेंट बहुत ही वीक था, पर फिर भी उसे हराने के लिए रमोन ने बहुत स्ट्रगल किया। ये बात उसे अच्छी नहीं लगती। जिम जब खत्म हुई तो डेबरा को घर जाते वक्त रमोन ने देखा तो उसका वो पीछा करता है। डेबरा ने नोटिस किया और स्ट्रीट पर उस पर वो हमला कर देती है। जब उसने उसे देखा तो रियलाइज किया कि तो फेमस रमोन है। वो उसे सॉरी कहती है और पूछती है क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे। रमोन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं। रमोन ने पूछा तुम कहाँ जा रही हो। वो पता बताती है तो रमोन कहता है कि मेरी गाड़ी आस पास ही है, मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। पर डेबरा ने इसके लिए उसे मना कर दिया। इसके बाद रमोन हमेशा जिम में डेबरा को देखता रहता था। वो भी उसे नोटिस करती थी। एक दिन जब वो शॉवर लेने के लिए गया तो वो उसके पीछे आ गए। ये दोनों यहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। वो फिर उसके घर पर आए। वो उसे पूछती है तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है। वो कहता है मुझे तुम पूरी की पूरी बहुत अच्छी लगती हो। रमोन आज बहुत टाइम से डेबरा के पास था और वो कह रही थी कि आज रात मेरे साथ ही रुको, पर रमोन कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा। वो उसे झटक कर वहां से जाने लग गया। डेबरा ने बॉक्सिंग के ग्लोव्स पहने। वो कहती है मेरे साथ फाइट करो। पहले तो रमोन उसे सीरियसली लेता नहीं, पर उसे सीरियसली मार रही थी। गलती ने उसने उसे एक पंच मारा तो डेबरा के मुंह से खून आने लग गया था। डेबरा जहां पर काम करती है वही उसे छोड़ने के लिए चला गया। वो कहता है मैं तुम्हें आगे भी ड्रॉप कर सकता हूं, पर डेबरा ने उसे मना कर दिया। रमोन को लगता है कि शायद उसे कुछ छुपाना चाहती है, शायद वो कुछ गलत करती है, पर इस बात को उसने इग्नोर कर दिया। आजकल रमोन उसके बारे में पेपर्स में जो भी लिखा था इसके बारे में बहुत सोच रहा था। उसने अपनी ट्रेनिंग भी बढ़ा दी थी। अब नेक्स्ट सीन में जो उसकी फाइट को स्पॉन्सर करता है, सारा कुछ अरेंज करता है, उस आदमी के पास हो गया। उसने उसे कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि मुझे फिर से फाइट करना चाहिए। इस बार वो वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता है। पहले तो उसके फ्रेंड को मजाक लगा, पर वो भी इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि उसे भी बहुत सारे पैसे कमाने को मिलेंगे। बस फाइट के ही थोड़े से पैसे उसने उसे दे दिए। आजकल रमोन जब डेबरा के साथ है तो दिन ब दिन गायब रहता था। ये बात करीना ने नोटिस की थी। उसे पूछती है कल रात तुम कहाँ थे। रमोन इस पर झूठ कह देता है। ये बात करीना को पता थी। उसने उसे कहा कि मुझसे झूठ कहना बंद कर दो। वो अगले दिन फिर से बहुत लेट रात घर आया। इस वजह से करीना उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। वो अपने बेडरूम का डोर लॉक कर देती है। रमोन को काउच पर ही सोना पड़ा। उसे नींद आ नहीं रही थी तो डायरेक्टली डेबरा के घर पर पहुंच जाता है। डेबरा आज रात अब तक घर नहीं आई थी। वो घर आने पर रमोन को देख उसने उससे कहा तुम्हारा मेरे रूम में आना मुझे अच्छा नहीं लगता, अगर आना है तो हमेशा के लिए आ जाओ। अगले दिन जब रमोन अपने ट्रेनर के साथ ट्रेन कर रहा था
तो ट्रेनर ने कहा, कल रात तुम्हारी वाइफ का कॉल मुझे आया हुआ था, रात भर तुम कहाँ थे? रमोन इस बात को टाल देता है, कहता है मुझे फिर से बॉक्सिंग करनी है, मैं वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता हूँ। उसका ट्रेनर इसके लिए उसे मना कर देता है। उसके ट्रेनर को लगता है कि वो इडियट है, उसे करने के लिए उसे मना कर दिया, पर रमोन किसी की भी नहीं सुनता। अब जिम में भी सबके सामने रमोन डेबरा को ट्रेन कर रहा था। ये सारी बात ट्रेनर ने देखी, ट्रेनर को ये बहुत गलत लगा। थोड़ी देर में रमोन का फाइट अरेंज करने वाला फ्रेंड यहाँ आया, उसका नाम है नुकी। नुकी उसे कहता है कि एक नई फाइट होने वाली है, पर ये सिर्फ एक शो के लिए होगी, इस फाइट में तुम ही जीतोगे, हमें इससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। रमोन भी इसे एक्सेप्ट कर लेता है। वो आज रात जब घर पर आया तो करीना उसे पूछती है, कल रात तुम कहाँ थे? रमोन उसे बताता है कि मैं फिर से फाइट करने वाला हूँ, उसी की प्रैक्टिस कर रहा था। उसे जो भी पैसे मिले थे ये सारे उसने करीना को दे दिए। करीना इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होके वो कहती कि तुम मुझे समझते क्या हो, मैं तुम्हारी बच्चों की मदर हूँ, मुझे रिस्पेक्ट दिया करो। रमोन से वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड थी। रमोन ने भी उसे गले लगा लिया और आज रात वो इंटीमेट हो गए। वो उससे कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। रमोन को लगता है कि डेबरा शायद उससे कुछ छुपा रही है, तो जहाँ पर काम करती है वहाँ वो देख कर आया। वो सिर्फ स्वेटर वगैरह सेल करने का काम करती थी, वो कुछ भी गलत नहीं करती है। इसके बाद रमोन के फाइट का डे आता है, सब लोग उसके लिए चीयर अप कर रहे थे। ये फाइट सिर्फ शो के लिए थी, उसके अपोनेंट को सिर्फ उसे थोड़ा थोड़ा मारना था, पर एक्चुअल में उसे पंच करने लगता है। रमोन को इस बात पर बहुत गुस्सा आ गया। जब राउंड खत्म हुआ तो ट्रेनर से बात करता है कि वो एक्चुअल में मुझे पंच मार रहा है। ट्रेनर ने कहा, तुम भी फिर उसे मारो। इन दोनों में एक्चुअल फाइट हुए और रमोन ने अपने अपोनेंट को हरा दिया। सब चीजों के बावजूद भी उसकी वाइफ करीना उसे चीयर अप करने के लिए आई हुई थी। फिर से सारे लोग मिले और उसके विन के लिए सेलिब्रेट करते हैं। इन्होंने आज घर की सारी बियर खत्म कर दी थी। रमोन कहता है कि मैं बियर लेकर आता हूँ, पर घर के बाहर ही डेबरा थी। वो उस पर गुस्सा हो गया, कहता है तुम्हें इस तरीके से यहाँ आना नहीं चाहिए था। ये दोनों फिर रमोन की एक सीक्रेट जगह पर गए और वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह डेबरा उसे पूछती है कि ये कौन सी जगह है। उसने कहा कि मेरे फादर की जगह थी, वो यहाँ पर ट्रेन करते थे। उनकी डेथ के बाद इस जगह का उसे क्या करना है ये समझ में नहीं आया, तो अपने लिए उसने रख लिए। इस जगह के बारे में किसी को भी पता नहीं था। रमोन डेबरा को यहाँ लेकर आया तो उसे बहुत ही स्पेशल लगता है। ये दोनों फिर मिलकर ही ट्रेनिंग करने लग गए थे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। एक रात ये दोनों डिनर करने के लिए आए। रमोन डेबरा से पूछता है कि तुम किस टाउन से हो। डेबरा ने नाम बताया और उसी टाउन से एक बहुत ही फेमस बॉक्सर भी था। रमोन ने उसे पूछा, क्या तुम उसकी बेटी हो? डेबरा कहती कि हाँ, पर उस बॉक्सर की कोई अलग वाइफ थी। डेबरा की मदर के साथ उस बॉक्सर का अफेयर था, वो अपने फादर से बहुत कम मिलती थी। रमोन ने डेबरा के फादर को भी फाइट में हराया हुआ था। डेबरा ने कहा, बाद में उनका करियर बर्बाद हो गया था, वो पैसों के लिए स्टील करने लग गए थे। एक क्राइम करते करते पुलिस ने उन्हें मार दिया। यही बात करते करते रमोन ने एक लेडी वेटर को ऑर्डर दिया। डेबरा को लगता है कि उसे चेकआउट कर रहा था, इस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। इन दोनों में बहुत झगड़ा हुआ, पर झगड़ा करते करते एक दूसरे को किस करने लगते। इसी तरीके से इनकी रिलेशनशिप डेवलप हो रही थी। एक दिन नुकी फिर से रमोन के पास आया। वो उसे कहता है, लास्ट टाइम तुमने जिसके साथ फाइट की थी वही लोग तुमसे फिर से फाइट करना चाहते हैं, पर एक इंटरनेशनल इवेंट होगा, एक बहुत बड़ी फाइट है जो अफ्रीका में होगी। रमोन ने ऑलरेडी उसे हरा दिया है, तो फिर से उसे फाइट करना है उसे सही नहीं लगता। उसने इसके लिए उसे मना कर दिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक रात डेबरा और रमोन डांस कर रहे थे। डांस करते करते रमोन को लगा कि शायद डेबरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी डांस करती होगी। वो उससे पूछता है, मेरे पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? वो कहती कि कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था। रमोन को पता है कि ये झूठ है, तो उसे ज़बरदस्ती बताने के लिए कहता है। वो कहती है, सब लोग बहुत घटिया थे और तुमने सबको हराया हुआ है। इसका मतलब है उसके प्रीवियस बॉयफ्रेंड्स भी बॉक्सर थे, उन सब के साथ रमोन ने फाइट की थी। ये बात रमोन को बहुत अजीब लगी, वो जेलस हो गया था। अब हम देखते हैं कि मूवी में थोड़ा टाइम गुजर चुका है। रमोन जो भी कर रहा था उसके ट्रेनर को सही नहीं लगता, उसने उसकी वाइफ को यह सब बता दिया। करीना अब बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, वो डायरेक्टली रमोन के साथ डिवोर्स ही लेना चाहती थी। वो रमोन को उसके बेटे से भी मिलने नहीं देती, उसे छुप छुप कर स्कूल में मिलता है। रमोन ने अपने ट्रेनर से पूछा कि तुम चाहते क्या हो, कि मेरी वाइफ अपने लिए चाहते हो? रमोन के हाथ से सब कुछ निकल जा रहा था,
उसे कुछ भी फाइट भी मिल नहीं रही, तो उसने निकी को कॉल लगाया। वो कहता है, जिस फाइट के बारे में तुम बात कर रहे थे अब मैं वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, पर मेरी एक कंडीशन है, मेरे फाइट के पहले डेबरा की एक फाइट होगी। रमोन अपने साथ डेबरा को भी सक्सेसफुल करना चाहता था। अब फाइट का डे आया, रमोना ने अपने अपोनेंट को फाइट में हरा दिया, वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। इसके बाद रमोन की फाइट स्टार्ट होती है। इस बार उसका अपोनेंट उसे जरा भारी पड़ रहा था। उसका राउंड खत्म होने के बाद वो देखता है कि डेबरा निकी के साथ बात कर रही थी। वो बहुत ही इनसिक्योर फील करता है, उसे लगता है शायद डेबरा भी उसे छोड़कर चली जाएगी। वो इस फाइट में थोड़ा भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया। रमोन के अपोनेंट ने उसके पेट में बहुत जोर से पंच मारा और इस वजह से उठ नहीं पाता। वो इस फाइट में बुरी तरीके से हार गया। डेबरा रमोन से पूछती है कि हुआ क्या, ऐसा कैसे तुम हार गए। वो कहता है, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। उसने अपनी फैमिली खो दी, आज वो इतनी बड़ी फाइट हार गया, अब वो वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकता। फाइट के बाद निकी उसके पास आता है, कहता है इसे ज्यादा सीरियसली मत लो। हारने के बाद भी उसे पूरे पैसे देता है, इसे उन्हें बहुत प्रॉफिट हुआ था। उसने कहा कि हम बहुत सारी फाइट करेंगे, ये सिर्फ शुरुआत थी। इन सारी चीजों के लिए वो डेबरा को ही दोषी मानता है। वो उसे दूर तो जाना चाहता था, पर रात में उसने उसे फिर से मिस किया। डेबरा निकी के पास थी, उसके साथ पार्टी कर रही थी। रमोन भी वहां पर पहुंच गया। जिसके साथ निकी डांस कर रही थी उसे वो बहुत मारता है और डेबरा को अपने साथ लेकर गया। डेबरा रो रही थी, रमोन ने उसे कहा कि अब मेरे साथ चलो, हम न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे, सी के पास जाएंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। पर डेबरा अब उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। जैसे कि हमें पता है कि डेबरा ने उससे कहा था कि मेरे एक्स बॉयफ्रेंड भी फाइटर थे, रमोन ने उन्हें हराया हुआ था, रमोन भी हार गया, तो अब उसके साथ वो रहना नहीं चाहती थी। वो हमेशा विनर्स के साथ ही रहती है। रमोन उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसे मारने वाला था पर अपने आप को उसने कंट्रोल कर लिया। अब मूवी के लास्ट सीन में उसने जो भी किया इस सारी बातों को पछता कर रहा था। उसके बाद सब कुछ था, एक फैमिली थी, एक बड़ी फाइट वो जीता था। अगर चाहता तो सब कुछ परफेक्ट होता, उसकी आगे की लाइफ भी परफेक्ट होती। थोड़े से और की चाहत में उसने अपना सब कुछ खो दिया, उसका करियर बर्बाद हो गया और फाइनली उसकी फैमिली भी। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। हमें बता कर जाती है हमारे पास जो होता है उसके लिए हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए। ज़्यादा के चक्कर में हम हमारा सब कुछ खो सकते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दोनों मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।